हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी दांत खाज खुजली से परेशान हैं तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने दांत खाज खुजली को पूरी तरह से बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दांत खाज खुजली ऐसा फंगल इन्फेक्शन होता है जो एक बार किसी को हो जाए तो आसानी से नहीं जाता, और इसे ठीक करने के लिए हम बहुत सारे पैसे भी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपके दांत खाज खुजली को पूरी तरह से ठीक कर देगा, और साथ ही आपकी स्किन पर इन दांत खाज खुजली के द्वारा जो निशान पड़ गए हैं उनको भी यह मिटा दे। तो चलिए दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लहसुन की 4-5 कलियां, जिनको घिसकर हमें इनका रस निकालना है। तो दोस्तों, लहसुन की 4-5 कलियां हमने ले ली हैं, अब हमें इनका रस निकालना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय, कद्दूकस कर लेते हैं, यानी 4-5 कलियों को कद्दूकस कर लेते हैं। तो दोस्तों, लहसुन को कद्दूकस करने के बाद आपको एक खाली बाउल और लेना है और इसमें इसका रस निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये लहसुन का रस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और ये 1 चम्मच के करीब हमारा निकाला हुआ रस है। इसके बाद दोस्तों, आपको चाहिए 1 कपूर की टिक्की, जो आपको किसी भी किराने की दुकान से बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कपूर की टिक्की इतनी मात्रा में बारीक करके इसमें डाल लेनी है। दोस्तों, कपूर की टिक्की बहुत ही मुलायम होती है और बहुत ही आसानी से ये बारीक हो जाती है, तो आप इसको इस तरह से इसमें ऐड कर लें। इन दोनों चीज़ों के बाद दोस्तों, आपको इसमें तीसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है दोस्तों सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों का तेल आपको इतनी ही मात्रा में लेना है जितनी मात्रा में हमने लहसुन का रस इसमें ऐड किया था। तो दोस्तों, ये सरसों का तेल आपको इतनी ही मात्रा में इसमें ऐड कर लेना है, और इसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इन्हें किस तरह से आपको अपने दांत खाज खुजली पर अप्लाई करना है। बहुत ही आकर्षक नुस्खा है दोस्तों ये। दोस्तों, इस नुस्खे में हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लहसुन एक औषधीय दवा के रूप में काम में लाया जाता है, और साथ ही दोस्तों, लहसुन में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज और एंटी फंगल तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी खुजली जैसी समस्याओं को जड़ से मिटाने का काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमने इसमें दूसरी चीज जो ऐड की है वो है दोस्तों कपूर। दोस्तों, कपूर भी अपनी औषधीय गुणों के लिए बहुत ही मशहूर है, क्योंकि कपूर एंटीसेप्टिक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के तत्व काफी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो हमारी स्किन पर होने वाले दांत खाज खुजली जैसे संक्रमण से लड़कर हमारी स्किन को ड्राइनेस मुक्त बनाती है। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे अपनी स्किन पर अप्लाई किस तरह करना है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक कॉटन बाउल लेना है, और इसके बाद आपको इसे इसमें डिप करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दोस्तों जब आप इसको अपने दांत खाज खुजली पर इसको लगाएं, तो आप इसको लगाने के लिए हाथ का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके लिए आपको कॉटन की सहायता लेनी है, यानी आपको एक कॉटन बाउल लेना है, और आपकी दांत खाज खुजली पर आपको इस तरह से इसको हल्के हाथ से लगाना है। 4-5 बार राउंड फिगर में अप्लाई करने के बाद आप इसको इस तरह से ऐसे ही छोड़ दें। दोस्तों, यह प्रयोग आपको दिन में 3 बार करना है, यानी सुबह, दोपहर और शाम। और दोस्तों, 3 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि इन तीनों चीजों का मिश्रण आपके दांत खाज खुजली की समस्या को ऐसे दूर भगाता है कि जैसे आपकी स्किन पर दांत खाज खुजली थे ही नहीं। यह प्रयोग आपको दिन में 3 बार और 3 दिन तक लगातार करना है, और 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके जो दांत थे वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं, आपकी खुजली की समस्या भी समाप्त हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का नुस्खा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले पा सकें और इसी तरह से फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने दांत खाज खुजली की समस्या से परेशान है, तो आप इन तीनों चीजों का मिश्रण अपने स्किन पर अप्लाई करें और इनके गुणों का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।